A very good morning to all the dear children. How are you feeling today? I know you're doing great. So, children, tell me who woke you up today morning? Was it your mother or your father? Who prepared breakfast for you today morning? And who is helping you these days in your daily assignments? Children, do you realize how important it is the role of family members in your daily life?

आप बाय बर्थ अपनी फैमिली से यूनाइटेड हैं आपके पेरेंट्स ने मैरिज किया इसलिए वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से यूनाइटेड हैं अगर आपके पेरेंट्स किसी छोटे बच्चे को गोद ले लेते हैं यानी कि अडॉप्ट कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि वह बच्चा एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और आपकी फैमिली का एक मेंबर है let's see what this little girl minu has to tell us about her family can you find minu here well here is she this is minu's little brother mother father grandmother grandfather but who is this little child well he is minu's adopted brother minu parents ne इस छोटे बच्चे को गोद लिया है यानी कि अडॉप्ट किया है और ये बच्चा भी इस फैमिली का एक मेंबर है टाइप्स ऑफ फैमिलीज चिल्ड्रन देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली अ ज्वाइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि ब्रदर सिस्टर मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अंकल आंट एंड कजन अंकल आंट के बच्चे को कजन कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में फादर मदर ब्रदर सिस्टर इस तरह से एक या दो बच्चे होते हैं जॉइंट फैमिली में बच्चों को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता दे नेवर फील अलोन बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देम बदले में ग्रैंड पेरेंट्स गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वॉम्थ फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली छोटी फैमिली यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में भी जो सारे मेंबर्स होते हैं एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं और ये एक क्लोजली निट फैमिली होती है बच्चों आप इसके बारे में अपनी बुक में अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा इस टॉपिक को रीड कीजिए और आगे हम बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे फैमिली के बारे में टिल देन गुड बाय